हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 14.2। पिछला जो अभ्यास आपका 14.1 था, उसमें हम पढ़े थे प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत के सवाल कैसे हल करते हैं। ठीक, तो इसमें भी आपका प्रतिशत से ही संबंधित सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, इबारती सवाल। ठीक, शब्द समस्या जिसको कहते हैं, शब्द समस्या एक इबारती सवाल भी कहते हैं। तो यह अभ्यास जो है इसी पे आधारित है, इसी को आज हम हल करेंगे, देखेंगे कैसे हल होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें पहला सवाल जो आपके किताब में दे रहा है, लिख रहा है प्रत्येक प्रतिशतों को दशमलवों में बदलिए। ठीक, इसमें दशमलव में नहीं बदलना है, आपको सीधे यहाँ हल करना है। देखिए इसमें कई सवाल दिया हुआ है, जिसमें से मैंने ए और जी दो सवाल नोट किया है, यहाँ पे दो सवाल आपके हल करके बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे हल करते हैं। इसी तरह से बाकी के सवाल हैं वो भी हल हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए इसमें का पहला सवाल जो है ए, इस अभ्यास में पहला का ए दे रहा है 540 का 30%। ठीक, 540 का 30% आपको ज्ञात करना होगा कितना होता है। ठीक, तो जैसे आपको पता है अगर प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम कितने का 1/100 का गुणा करते हैं। यहाँ भी मान लीजिए अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 100 से हमें भाग देना है, या गुणा करिए या भाग दीजिए सीधे। तो देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है। जैसे आपको मैथ में गणित में पता है का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहां भी आप जब हल करेंगे सीधे 540 गुणे कितना 30 बटे कितना का सीधे 100। ठीक, का मतलब होता है गुणा, तो आपको यहां कुछ नहीं करना है, 540 गुणे 30 बटे 100। अब इसको हल कर दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, यहाँ 10 है, 10 इसको काट दीजिए, तो आपका क्या बच रहा है, 54 गुणे 3 यही बच रहा है ना। अब इसको हल कर दीजिए, जब गुणा करेंगे 3×4=12 के 2 एक बचा, 5×3=15=16 या 3×5=15=16 162, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 540 का 30% कितना होगा, 162। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपको पता है कोई भी पूछ लेता है, जैसे अगर कोई सवाल दे रहा है 1000 का 15% कितना होगा, अगर मान लीजिए, या 900 का 15% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, उदाहरण के तौर पे 900 कितना प्रतिशत जानना है, 15% बटे 100, 0 से 0 कट गया, 15 कितना होता है 135, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 900 का 15% मतलब 15% 135 होगा, चाहे मान लीजिए इसको रुपया समझ लीजिए या कोई सामान समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, तो यह था आपका उदाहरण के तौर पे। अब देखिए इसी तरह से इसमें का जी दे रहा है 780 किमी का 10% या 10% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे यहां 780 का मतलब गुणा कर देंगे आप, और 10% हमें जानना है, 10 लिख देंगे बटे 100। अब इसको हल कर दीजिए आप, 0 से 0 इधर कट गया, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ कट गया, यह आपका हुआ 78 × 1, मतलब यही होगा। इसको हल करेंगे, 78 × 78 यह 78 हो जाएगा आंसर। क्या पूछा है, किमी, एक किमी आप लिख देंगे 78 किमी, मतलब ये हुआ कि 780 का 10% 78 किमी होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें का एक और सवाल हल करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इस चैप्टर में पहला का आई, आई लिख रहा है 4 की ग्रा का 90%, तो सेम उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे।
कुछ नहीं करना है आपको। चार है, चार का मतलब गुड़ा, गुड़ा हो गया ये 90, ठीक। भागा 100, भाग कर देंगे आप तो यहाँ जीरो से जीरो कट गया, आपका कितना हो गया यह 36, ठीक। या नीचे हल कर लीजिए, 36 बटे कितना हो गया 10। अब यहाँ भी हल कर सकते थे आप, इसको नीचे करके ऐसे करके भी हल कर सकते हैं नीचे लाके, ठीक। अब दो से कर दीजिए, 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ये हो गया 18/5। अब इसको आप हल करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, ठीक। 0 हो गया, 5 × 6 = 30, 0 ए हो जाएगा आपका 3.6, या 60 मान लीजिए, कर लीजिए 6 रखिए, 3.6 क्या है कि ग्राफ, यही आपका आंसर हो जाएगा कि 4 किग्रा का 90% 3.6 किग्रा होगा। अगर इसको ग्राम में बदल के करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, इसके हिसाब से 360 क्या आएगा, ग्राम आएगा, 360 ग्राम आएगा, वही यहाँ पे दशमलव में हो गया है, ये इसका आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए अगला के है, इसको भी हल करिए तो कुछ नहीं, सीधे आप 500 का 500, का मतलब गुणा, ये 50% है, कितना है 5% है, 5% आपको जानना है कितना होगा, तो भागा 100, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा, 5 × 25 = 25 हो जाएगा, मतलब 500 का 5% कितना होगा 25। इसको रुपया समझ लीजिए, मान लीजिए 500 रुपया है, उसका 5% कितना रुपया होगा, तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं, तो आपका ये कितना हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा, मतलब 500 रुपये का 5% 25 रुपया होगा। इसमें के जो भी बचे सवाल हैं आप उसको हल कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का दूसरा सवाल देखिए, दूसरा लिख रहा है कितना प्रतिशत है, क्या जानना है हमें, क्या ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत है इसमें, ए दूसरा का ए दे रहा है, एक सप्ताह का 2 दिन कितना प्रतिशत है। अभी जब प्रतिशत ज्ञात करना था, मान लीजिए प्रतिशत यहाँ ज्ञात करना है, तो हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, कितने का 100। जैसे मान लीजिए इसको हल करेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, 2 दिन का, ये हो जाएगा 2/7 गुणे क्या 100, ठीक। 2/7 गुणे 100, जब इसको हल करेंगे आपका तो ये हो जाएगा 200/7। अब भाग दे दीजिए आप, जैसे चलिए यहां पे दे दीजिए 200/7, तो 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 14 कितना बचा 6 = 0, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63 हो जा रहा है, तो 7 × 8 = 56, 8 × 8 = 56 हो जाएगा, कट गया 4 बच गया। आप इसको दशमलव में या तो फिर हल करिए, या तो इसको सीधे लिख सकते हैं आप 28 सही 4/7%, क्या हो जाएगा 28 सही 4/7%, कितना आपका यह प्रतिशत हो जाएगा, ठीक। या दशमलव में निकालते इस तरह से आपका आंसर आता 28.55%। तो इसमें दशमलव में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आप भिन्न में लिखना चाहें तो 28 से 4/7%, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से यह आपका हल होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे गुणा कर देना है। जैसे देखिए इसका बी, दूसरे का बी दिया है रुपया, एक का 25 पैसा, यहाँ 25 पैसे में पूछ रहा है, तो जब हल करेंगे आप तो जैसे आपको पता है 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा, ठीक। तो यह 100 पैसा हो गया, तो आप सीधे आप लिखेंगे 25/100 × 100, ये 100 से 100 आपका हल हो जाएगा, ठीक। यह 25 आ जाएगा क्या प्रतिशत, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इसमें भी ज्यादा टफ नहीं है, आसान है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपको लिख के 100 का गुणा कर देना है। देखिए इसमें का अगला सवाल, दूसरा का यफ दे रहा है एक माह का 6 दिन, एक माह का 6 दिन कितना प्रतिशत होगा यह भी आप करना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, एक माह बराबर कितना होता है 30 दिन, दिन में पूछ रहा है ना, इसको हल करेंगे। एक माह बराबर 30 दिन, अब 6 दिन का है तो 6/30 गुणे कितना 100, ये 0 से 0 आपका हल हो गया, यह 3 दुना कितना होता है 6, यहाँ 2 हो गया गुणे 10, तो यहाँ सीधे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा 20, या इसको आगे हल करना चाहेंगे तो सीधे 2 गुणे 10 ये आपका आया, अब यह हो जाएगा 20। यह 20 क्या हो गया प्रतिशत, क्या पूछ रहा है प्रतिशत ना, यह आपका आंसर हो गया 20%। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसमें का जो भी बचा हुआ सवाल है 2-3 उसको आप स्वयं हल कर लीजिएगा। अब अगला तीसरा सवाल देखिए क्या दे रहा है, यह इबारती में दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया है इसमें इबारती भी सवाल दिया हुआ है, शब्द समस्या जिसको कहते हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए लिख रहा है एक व्यक्ति का वेतन रुपया 5,650, एक व्यक्ति है जिसका वेतन कितना है 5,650 रुपया, वह अपने वेतन का 25% बचाता है, ये जो वेतन पाता है 5,650 उसका 25% बचाता है, उसी को हमें क्या करना है रुपए में ज्ञात करना है कि कितना वो बचाता है, ठीक। हाँ इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे पहले अभी पहला सवाल था, जैसे मान लीजिए 5,650 का 25% कितना होगा, तो क्या किए थे आप, कुछ नहीं करना है, हल करेंगे आप सीधे 5,650 का 25% का 25% गुणे का मतलब गुणा 25%, ठीक, भागा 100। अब इसको हल कर दीजिए, तो हल करिए 0 से 0 आपका खत्म हो गया, ठीक। अब 5 से काट दीजिए, 5 × 10 होता है, अब 5×5 = 25, ठीक। अब यह आपका हो गया, हल करेंगे तो 565 गुणे 5/2, यही इतना है ना बचा हुआ 2/2। अब इसको हल कर दीजिए तो सीधे गुणा करेंगे आगे, आप चलिए गुणा कर लीजिए, 5×5 = 25 होता है, 2 × 5 = 31 2 = 32 3 × 5 = 25 और 3 = 28, ये हो गया आपका 2,825/2। अब इसको हल करेंगे तो आप सीधे देखिए 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक, 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 इसमें कितना बचा, 1 बचा है, 0.0 हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा, ठीक। तो यह आपका हो गया कितना, यहाँ आप लिख सकते हैं आंसर में सीधे 1,412.5 या 500 भी लिख सकते हैं, इतना रुपया जो होगा उसका क्या होगा, यह रुपया में आ गया आपका, तो यह बचत करता है, उसकी बचत कितना हो जाएगी रुपया, यहाँ आंसर में लिख सकते हैं रुपया 1,412.50 रुपया ये बचत करता है, बचत करता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं होता है शब्द समस्या में, बस ये है कि आप ध्यान पूर्वक उसको पढ़िए कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को हल करने में। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें पूछ रहा है एक व्यक्ति का वेतन इतना है, कितना हो रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 4,000 है, 4,000 का वह अपने वेतन का यहाँ 25% पूछ रहा है, तो आपको 35% जानना है, 4,000 का 35% कितना होता है। तो सेम उसी तरीके से आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे आप 4,000, ठीक, कितना 35% 35 भागा 100, इसको हल कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका उसका 35% रुपया हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला आप सवाल देखते हैं। चैप्टर का सातवां सवाल दे रहा है, एक छात्र को 1000 में से 780 अंक मिले, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यहाँ पे जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं तो उसमें मान लीजिए पूर्णांक 1500 का रहता है, 1600 का रहता है, उसमें जो भी अंक मिले होते हैं उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी पूछा है कि एक छात्र को 1000 में से, मतलब 1000 को वह पूर्णांक है पूरा सभी विषयों का, तो उसमें 1000 में से 780 अंक मिला है सभी विषय मिला के, तो उसे कितने प्रतिशत मिले। तो इसको हल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कितने 780 अंक मिले हैं, ठीक, कितने में, 1000 में, ठीक, गुणे कितना 100, ठीक। तो 0 से 0 मतलब 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, इसको हल कर दीजिए, ठीक। 1 जीरो से यह है, 1 जीरो से यह, ऐसे भी हल कर सकते हैं। यह आ जाएगा आपका 78%। अगर नहीं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह 0 है, यह 0 है, 2 जीरो से 2 जीरो यह कट गया, बचा है 780/10, तो आप काट दीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 × 10, ठीक, यह कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना बचा, 2, यह 25 हो जाएगा आपका, ठीक। अब कितना बचा, 3, 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, 156 क्या है, 2। अब इसको फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 × 7 आपका 14 और 2 × 8 = 16, कितना आया, 78%, ठीक, समझ में आया। नहीं तो दूसरे तरह से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 780 है, ठीक, कितना 1000 है आपका पूर्णांक गुणे 100, तो यहाँ से 2 जीरो जो 1 जीरो यह कट गया, 1 जीरो यह कट गया, 1 जीरो यह, 1 जीरो यह, बचा कितना, आप नोट करते जाइए इस तरह से, 780/10। अब इसको 5 से अगर विभाजित करते हैं तो 5 × 10 होता है, ठीक, अब 5 × 5 हो जाएगा, अब 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, ठीक, 156 हो जाएगा आपका, अगला कितना आ गया, 156/2। अब फिर इसको विभाजित करेंगे 2 से, तो 2 × 7 = 14, 1 × 6 = 6, 2 × 8 = 16, कितना आ गया, 78, या 78% हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसमें 1000 में 780 अंक मिला है तो कितना आ गया, 78% हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। जो भी इस अभ्यास के बचे हुए सवाल हैं आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ हल करके बताऊँगा।